नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। तो फाइनल हो गया है बिहार में विधान परिषद की खाली हुई दो सीटों पर कौन कौन जा रहा है, ये फाइनल हो गया। मुकेश सहनी ने हाँ कर दी है। अभी अभी मुकेश सहनी ने बता दिया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई, उन्होंने एनडीए में मुकेश सहनी पर भरोसा जताया है और बिहार विधान परिषद की जो सीट खाली हुई है उस पर मुकेश सहनी ही जा रहे हैं, ये बात फाइनल हो गई है। आपको बता दें, हम पहले शहनवाज हुसैन जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उनका नाम तय हुआ था। एक सीट जो खाली थी उस पर शहनवाज हुसैन का नाम तय किया था बीजेपी ने और दूसरी सीट पर मुकेश सहनी जा रहे हैं। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री, क्या कुछ लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर देखिए। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के भरोसे के लिए धन्यवाद। उन्होंने अभी फोन पर मुझे विधान परिषद के उप निर्वाचन के लिए एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने की सूचना दी है। मुझे इस योग्य समझने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं एनडीए के सभी नेताओं को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कल 18 जनवरी को हम नामांकन करेंगे, यानी कि कल 18 जनवरी है, सोमवार का दिन है। कल मुकेश सहनी नामांकन करेंगे। वीआईपी पार्टी व निषाद विकास संघ के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपके समर्थन व स्नेह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी के हितों व आपके अधिकारों का ध्यान एनडीए गठबंधन में पूरी तरीके से सम्मान के साथ रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं निषाद समाज को भी उन्होंने आश्वस्त किया है और ये बता दिया है कि पार्टी के तरफ से जो स्टैंड है वो क्लियर है। सुबह से ही वीआईपी पार्टी की तरफ से कई जो नेता हैं वह बयान दे रहे थे, लेकिन उन नेताओं के बयान को सिरे से मुकेश सहनी ने खारिज किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कह दिया कि कोई खटपट नहीं एनडीए में। जो नेता बयान दे रहे थे उनके बयान का कोई मतलब नहीं निकला और अंततः मुकेश सहनी ने कह दिया है कि माननीय गृह मंत्री देश के अमित शाह जी को उन्होंने धन्यवाद दिया है और बिहार विधान परिषद के लिए कल वो नामांकन भी दाखिल करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुकेश सहनी को अमित शाह ने मना लिया फोन पर और क्या ऐसी बातें हुई। मुकेश सहनी ने कह दिया कि कल वो नामांकन करेंगे। साफ पार्टी का स्टैंड क्लियर हो गया है। बहरहाल आप लाइव चीज बन रहे हैं, इधर उधर के बयानों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज को फॉलो करें। धन्यवाद।